हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित पिछड़े आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 यहाँ साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 95 पर। तो साथियों पीएम मुद्रा योजना के तहत आप अपने आधार कार्ड पर लाखों रुपए का लोन ले सकते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पीएम मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम मोदी के नेतृत्व में इस योजना का जो उद्घाटन है वो कर दिया गया है और योजना के तहत आप कितना लोन ले सकते हैं आज की वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करने वाला है। तो पीएम मुद्रा योजना आपके लिए बिजनेस और व्यापार के लिए तरक्की के लिए दोस्तों लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस जनसमर्थ के पोर्टल पर आना है। आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है jansamarth.in। इसके बाद आप जैसे इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको इस पोर्टल पर मिल जाती हैं 15 स्कीम, 7 लोन कैटेगरीज और 200 से प्लस लेंडर और प्लेटफॉर्म। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी योजनाएँ मिलेंगी, जैसे कि ई किसान उपज निधि, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाता है बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो आपको ये करना है, इस पर क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी और आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखकर मिलता है कि बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लोन्स फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग एजेक्टिंग बिजनेस, यानी कि इस लोन से आप अपने नए बिजनेस को भी तरक्की दे सकते हैं और पुराने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है स्कीम वाइज बेनिफिट्स बेस्ड ऑन जेंडर, सोशल कैटेगरीज एंड टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो बेनिफिट्स है, लाभ है, वो आपकी सोशल कैटेगरी, आपके बिजनेस और इसके साथ साथ आपके जेंडर पर भी निर्भर करता है। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आपको मिलता है लेटेस्ट चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है सेलेक्ट ए सूटेबल ऑप्शन विच हेल्प टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, लोन हैंडलूम वेवर, लोन मैनुअल स्केवेजर, लोन स्ट्रीट वेंडर्स और अदर बिजनेस। तो आप किस काम के लिए अपना लोन ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, या तो आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार या फिर कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको अदर बिजनेस वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर यू डूइंग। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो न्यू है या फिर आपको पहले से ही व्यापार कर रहे हैं। अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो आपको एक्जेक्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अगर आप नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको न्यू वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मिलता हैव यू पास्ड क्लास 8। अगर आप क्लास 8 पास हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं पास हैं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता हैव यू अंडरगोन EDP ट्रेनिंग। तो दोस्तों अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है या फिर इसके अंतर्गत हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का जो है नेचर क्या है, यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस सर्विस या फिर ट्रेडिंग। तो आपको तीनों में से कोई भी अपना जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मिलता है सिलेक्ट योर जेंडर। आप महिला हैं, पुरुष हैं या फिर कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, यहाँ पर आपको मिलता है जनरल, OBC, SC, ST और माइनॉरिटी। तो यहाँ से आपको अपना जो भी कैटेगरी है सोशल कैटेगरी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल हैं, सामान्य वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से हैं तो आपको OBC सेलेक्ट करना है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है SC ST। तो यहाँ पर हम OBC को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से पूछा जाता है आर यू एक्स सर्विसमैन फॉर फिजिकली हैंडीकेप्ड, क्या आप एक्स सर्विसमैन या फिर आप विकलांग हैं, तो आपको यस नो में यहाँ पर आंसर दे देना है। इसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आप इसमें से किसी भी एरिया के हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद यहाँ से पूछा जाता है सिलेक्ट योर लोकेशन। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मिलता है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशरी। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, घरेलू और गैर घरेलू का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मिलता है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका बिजनेस है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। मान लीजिए आपकी बिजनेस की कॉस्ट है 2 लाख रुपये,
तो यहाँ से आपको 2 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम यू ऑन सोरस, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है आप इसमें अपने पास से कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका प्लान 2 लाख रुपये का है, यानी आपका बिजनेस 2 लाख रुपये में ओपन होगा और आप उसमें 50,000 रुपये लगा सकते हैं, तो आपको इसमें 50,000 रुपये डाल देने हैं। तो जैसे ही आप 50,000 रुपये डालेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आपको 1.5 लाख रुपये की अमाउंट की ज़रूरत है। अगर आप 1 लाख डालेंगे तो आपको 1 लाख रुपये की अमाउंट की ज़रूरत है, यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, आपके लिए 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम को लिस्ट किया गया है। पहला है आपका प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, यानी कि प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये इस स्कीम के तहत आप अपना लोन ले सकते हैं 1.5 लाख रुपये का, जिसका एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट है आपका 50,000 रुपये और आपकी मंथली जो EMI है वो 1,520 रुपये की जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो लोन की जो रिक्वायरमेंट है, आप कितने साल में इस लोन को चुकाएंगे, तो आप 15 साल में इस लोन को दे सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट अंडर द स्कीम 35% और नो इनकम सेलिंग ऑफ एसेट सेटिंग प्रोजेक्ट एंड अंडर PMGP, इसको आपको रीड आउट कर लेना है। इसके बाद अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लॉक इन टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि दोस्तों बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर योजना है। यहाँ पर आपको दी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट आपका 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आ चुका है, मंथली EMI आपकी 3190 रुपये जाएगी और ये आपको 5 साल में देना है, तो आपको 12-15-60 महीनों में आपको इस लोन को चुकता करना है। इसके बाद अगर आप इस स्कीम को लेना चाहते हैं, इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लॉग इन टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई स्कीम के बारे में जानना है तो आप नीचे रीड आउट कर सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अदर रिलेटेड स्कीम पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, जो कि दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी और लोन लेने का प्रोसेस यहाँ पर दे सकते हैं। PM मुद्रा योजना के तहत आपको 2 लाख से 5 लाख 10 लाख रुपए तक का आपको अपने बिजनेस व्यापार को तरक्की में बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आसानी से अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना लोन आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे और एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो इसी प्रकार की नई से नई वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।